मंदसौर जेल में बंद रेप के आरोपी के साथ उसके तीन दोस्तों ने टसन का वीडियो बनाया, इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपलोड भी कर दिया। कैप्शन दिया, बहुत जल्द वीडियो के बैकग्राउंड में पंजाबी सॉन्ग, जेल से लौटूंगा तो पिस्टल से महंगा तेरा लहंगा लाऊंगा प्ले हो रहा है। इतना ही नहीं, तीन दोस्तों ने पीड़िता के भाई को धमकी दी है कि अगर कोर्ट में गवाही दी तो सभी को खत्म कर देंगे। आरोपी 17 साल की लड़की के साथ रेप के आरोप में बंद है। साथ देने पर आरोपी की मां भी जेल में है। 3 नवंबर को पिपलिया मंडी के झोपड़पट्टी में 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी आसिफ और उसे सहयोग करने वाली उसकी मां भूरी खान को गिरफ्तार किया था, जिन्हें कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश दिए थे। तब से दोनों जेल में हैं। ऐसे में आसिफ से जेल में मिलने गए अयोध्या बस्ती निवासी आदिल पिता सलीम खान, साजिद पिता राजू खान, आमीन पिता रफीक खान ने जेल में मुलाकात के दौरान आरोपी के साथ वीडियो बनाया और एडिट कर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। इसकी शिकायत किशोरी के भाई ने पुलिस चौकी पर दर्ज कराई। फरियादी ने बताया कि वीडियो के साथ ही रास्ते में तीनों ने मुझे धमकी दी कि आसिफ भाई जल्द बाहर आने वाले हैं, फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। यह भी धमकी दी कि आसिफ खान के खिलाफ तूने या तेरी बहन ने कोर्ट में गवाही दी तो सबको खत्म कर देंगे। शिकायत के बाद पुलिस ने धमकी देने वाले तीनों आरोपियों के खिलाफ एक धारा 195, 506, 34 के प्रकरण दर्ज कर राउंड अप कर लिया। 2 नवंबर की रात पिपलिया मंडी के अयोध्या बस्ती में रहने वाली किशोरी के साथ उसके ही पास में आसिफ पिता सलीम खान किशोरी को बहला फुसलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान आरोपी की मां भूरी खान ने भी सहयोग किया था। मामले में पिपलिया मंडी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नाबालिग से यौन शोषण सहित अन्य धाराओं की में प्रकरण दर्ज किया था। मामले में आरोपी युवक की मां को भी आरोपी बनाया है। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम 3 नवंबर की शाम को आरोपी के घर पहुंची और अवैध बने मकान पर बुलडोजर चलाकर धराशायी कर दिया था। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था।